करो, आगे आओ, आगे आओगे सिर्फ फेसबुक पे लाइव आकर बोलने से और मुंह फाड़ने से, अगर और एक कॉल करके समाचार ले लेने से अगर पूरी दुनिया ठीक हो जाती तो मुझे लगता है कि कोई रोगी नहीं होता इस तरह। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। नमस्कार प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव रो सबके बेटा रो सबके भाई प्रणाम करत हने और दिल से थैंक यू कि आज हमारा फेसबुक पेज पर काल है, कैसे कि हम दुबई रहनी हाँ तो काल हमारा फेसबुक पर 1 मिलियन हमारे भाई हमके प्यार करे वाला लोग जुड़ गए बा। तो दिल से प्रणाम रो सबके कि रो लोग इतना प्यार आदर सिंह लभी भैया सबके, मिश्रा जी गोड़ लगता नहीं छोटे राजा सबके प्रणाम। खाली इतना कहे खाती हम नहीं हैं कि रे लोगों के दिल से धन्यवाद दे दी कि रे लोग इतना प्यार देनी और 1 मिलियन पहला मैंने भोजपुरी के कोई बेटा हुआ आप सबका जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है फॉलोवर। तो दिल से प्रणाम सबके कि और हर स्टार के रे लोग इन प्यार करी ले, लेकिन सबसे आगे हमके रखनी ओकरा खातिर दिल से थैंक यू कि रे लोग इतना मोहब्बत अपने भाई अपने बेटा के करी ले। और हम ना रहनी है जिगिया, हम दुबई रहनी है एक ही चलते ओ जिगिया सब मोबाइल वोबाइल बहुत कम चलेला ओके चलते हम रोल क्या बहुत दिन बाद हम आज लाइव आयल बनी ऐसे जे बहुत सारा गाना हमारे नाम चेंज करके भी लोग होली के डालत आप पिछला गाना तो ओकरा पर ध्यान कम दिला काम रोल के ऐसे जो मैं धोखा रखला से कोनो जरूरत नहीं है। प्रणाम भाई जी, संतोष कुमार जी सबके प्रणाम, सोनू कुमार यादव दिल से प्रणाम, लव यू सबके जितना भी हमसे जुड़ल बड़े लोग दिल से प्रणाम, थैंक यू थैंक यू। गुलशन कुमार सिंह जी लव यू भैया, उदय कुमार राका, सुमित ठाकुर दिल से प्रणाम भैया सबके प्रणाम, राघवेंद्र यादव दिल से प्रणाम, सदानंद यादव दिल से प्रणाम और सबके प्रणाम दिल से कि हम ना रहनी है जी ये भाई ऐसे थोड़ा सा रोलिंग से दूर उड़नी है दुबई में शूट के सही अरब के लिए सिनेमा रहे हमारे तो वो करे कुछ काम बचर ला दुबई के जौना के करे गरे नहीं हम। तो दिल से प्रणाम सबके किरे वो लोग इतना प्यार देनी और 10 लाख से फॉलोवर जे भी हमारे से जुड़ल बा दिल से प्रणाम के ऐसे ही मोहब्बत और प्यार दिले रही हैं और एकरा के जितना जुड़ सकी रहो और जुड़ी लोगी और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऐसे ही प्यार करत रही लो 26 से लेके जी से लेके बिना से मैंने जितना भी हमार आदि शक्ति से एगो गाना बहुत बड़ा हिट रहा हमारा और होली के बहुत बड़ा हिट एगो गाना रहो लेकिन टिकटॉक के बहुत बड़ा मसाला बा भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। भतीजा तोर माइयो जिंदाबाद, भतीजा तोर मौसियो जिंदाबाद। तो दिल से प्रणाम की रो लोग इतना प्यार अपने भाई अपने बेटा के मुन्ना सिंह प्रणाम मुन्ना भैया दिल से प्रणाम सबके और ढेर सारा शुभकामना आप सबके। ऐनी है तो एक और मैटर पता चला था गाली गलौज के हमके, तो ठीक है ना भैया हम इंसान हैं और हम लोगों का क्या मदद करते हैं, हमें पता होता है तो ही मदद कर पाते हैं। हम नहीं थे दुबई में थे तो हमें पता नहीं था चीज़ों के बारे में क्योंकि वहाँ फेसबुक वगैरह नहीं चलता है तो आदमी नहीं देख पाता है कुछ भी, उसके बावजूद भी दुनिया मेरे माँ को गाली दे रही है कोई बात नहीं, लेकिन उस इंसान के माँ को भी प्रणाम जिसने हमारे माँ को गाली दिया है, हमारे माँ को बहुत सारी चीज़ें की बातें बोली, मेरा दाह संस्कार की बात। मुझे लगता है कि मैं जितना सक्षम हूँ उतना मदद करता हूँ, मैं आज अपने परिवार से भी नहीं मिल पाता हूँ भाई जी सिर्फ मेहनत के बदौलत। तब मैं पूरे जीवन बताइए फेसबुक पे रहूं यूट्यूब पे ही रहूं तो फिर मैं मेरी जीवन तो यूट्यूब से नहीं चल पाएगी, मैं काम करूंगा जो यूट्यूब पे आएगा वही आप लोग देखते हैं ना, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो दिल से प्रणाम उस भाई को भी जिसने मेरे माँ बहन की गाली दी है, ईश्वर करे कि वो और आगे बढ़े, मेरी दुआ है उसके लिए कि अगर किसी की गाली देकर मदद कराने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम किसी की मदद कराएं और गाली देकर करें। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर हम
बताइए, अगर एक एक आदमी का मदद करे तो बिहार से लेकर यूपी से लेकर पूरे हिंदुस्तान में कितने सारे रोगी हैं जिनका कोई कुछ करने वाला, अगर उनके परिवार के लोग आकर ही बातें बोलते कि हमें मदद की ज़रूरत है, उसके बावजूद भी, गाली सुनने के बावजूद भी मैंने मदद की। वहाँ पर आज भी मेरे अपने लोग हैं, डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल से लेकर, आज भी डेली का अपडेट मैं लेता ही रह रहा हूँ, डेली ले रहा हूँ, डेली मेरे अपने लोग जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ठीक है, उनका अपना विचार है, जो उनको लगा से किसी के माँ के गाली देने से मदद अगर होती है तो खुद के भाई, लेकिन ये मदद कराने का तरीका अच्छा नहीं था कि हम किसी को गाली देकर किसी का मदद कराएं। हाँ, अच्छा लगता तब जब आप अपना अपने पाल से मदद करते और दुनिया वहाँ नहीं करती तो लगता है बुरा। अगर आपको इतना ही प्यार है किसी से तो आप खुद ही मदद करो, आगे आओ। आगे आओगे सिर्फ फेसबुक पे लाइव आकर बोलने से और मुंह फाड़ने से, अगर और एक कॉल करके समाचार ले लेने से अगर पूरी दुनिया ठीक हो जाती तो मुझे लगता है कि कोई रोगी नहीं होता इस धरती पे। हर आदमी एक फ़ोन करके, कॉल करके और किसी का हालचाल लेकर उसको ठीक कर देता। बट कोई बात नहीं, सबके अपने विचारधारा होते हैं, सबके अपने संस्कार होते हैं, जिस संस्कार में जो पला बड़ा होता है शायद उसी संस्कार के हिसाब से अपने आप को रखता है। और हमारी माँ और दुनिया के माँ तो सब एक ही होती है, और हमें किसी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ शब्द बहुत बड़ा होता है हमारे जीवन में। बट कोई नहीं, हमें उस बात से दुख नहीं है इस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप लोग मेरे ईश्वर हैं और ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को प्यार ही दिया है, आशीर्वाद ही दिया है। तो दिल से प्रणाम है उस भाई को भी, उस माँ को भी, जिसके माँ, जिस माँ के कोख से पैदा हुआ है वो भाई मेरा, और उसके बावजूद भी उसको माँ के कोख की अहमियत पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप गाली नहीं भी दोगे तो भी मैं मदद दुनिया का करता हूँ, और गाली दोगे तो भी मैं करूँगा, क्योंकि मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ कि हमेशा दुख हो या सुख हो मैं सब में रहने की कोशिश करता हूँ। और मेरा कोई फाइनेंसर नहीं है, मैं 24 घंटा वर्क करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के मैं काम करता हूँ, तब मैं किसी की मदद कर पाता हूँ। तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे काम हैं, तो काम अगर नहीं करूँगा तो मदद कैसे करूँगा किसी का। और आदमी काम में रहता है तो बहुत सारी चीज़ों को अपडेट नहीं देख पाता है। मैं फेसबुक पे कभी कभी, आप लोग देखे भी होंगे, 4 महीने 5 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने पे मैं कभी लाइव आ जाता हूँ और कभी कभी अपडेट करते रहता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं देखता नहीं, मैं अपना अपडेट देख के छोड़ देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काम भी करना होता है, डायलॉग है, गाना है। और मुन्ना सिंह जी, आप टाइगर हो भोजपुरी के, अरे नहीं भैया, टाइगर आप सब हो, आपने मुझे अपना भाई माना है, इसीलिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बीच में एक और गाने पे विवाद हुआ था, तो सब आप लोग बिल्कुल किसी को गाली गलौज मत करिए, सबकी माँ माँ होती है, हम अपनी माँ की तरफ से अगर देखें तो माँ शब्द बहुत बड़ा होता है, और किसी की गाली देने से चीज़ें बड़ी छोटी नहीं हो जाएगी और वो बदल नहीं जाएगा। जो चीज़ें आती है वो आएगी, जो चीज़ें जाती है, जिसको आपको जहाँ मज़ा आ रहा है वहाँ मज़ा लीजिए, चाहे वो किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी गायक का गाना हो, आपको अच्छा लग रहा है ना, सुनिए और खूब प्यार दीजिए उसको, क्योंकि सब आपके भाई की तरह है, सब लोग आपके बच्चे की तरह है, आप लोग प्यारे हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं अपने स्टार को, अपने भाई को, अपने बेटा को। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं मदद सबका करता हूँ, आज गाली सुनने के बावजूद भी मदद कर रहा हूँ और करूँगा भी, मैं और किया भी, और मैं अपने टीम से मेरे जितने लोग जानते हैं मैंने सबको बोला, सबने मदद भी की और कर भी रहे हैं लोग, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। कि और जो भी भाई मेरा गाली दिया था मुझे, मैं उससे भी यही अपील करूँगा कि मदद कराने का तरीका गलत था। किसी से मदद कराना अगर आपको है तो आप खुद मदद करिए, आप तो मदद करोगे नहीं और दुनिया को गाली दे के मदद कराओगे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो और माँ शब्द बहुत बड़ा होता है भाई, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी माँ की तरफ एक बार ज़रूर देखिएगा कि मेरी माँ भी तो है जिसने मुझे पैदा किया है, उसी तरह मेरी भी माँ है जिसने मुझे पैदा किया है, और मैं आज तक प्यार से बड़ा हुआ हूँ, नफ़रत से नहीं। अगर मुझे गाली देना ही आता और गाली सुनने ही आता तो बिग बॉस का इतना बड़ा शो मैं छोड़ के नहीं आता, और मैं अपील नहीं करता कि भगवान मुझे, बिग बॉस मुझे यहाँ से जल्दी निकाल दो, क्योंकि मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को मैंने छोड़ दिया और मैं अपने काम पे फोकस किया, अपने काम को, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत है और मेरे पास आप सब हैं, आप जैसे स्वरूप, भगवान स्वरूप। और आज जो मदद लोग दुनिया चिल्ला रही है, आज से 5 साल पहले कोई मदद की बातें नहीं करता था, और किसी स्टार को कोई मदद करते हुए नहीं देखा होगा,
तो एक शुरुआत मैंने की और आज हर आदमी मदद करने की बातें करता है, तो शुरुआत खेसारी लाल ने किया और आज आप बोल भी रहे हैं, आप किसी को गाली भी दे रहे हैं, तो वो दिन खेसारी लाल यादव का है कि मैंने शुरू में सबको बोला कि आप मदद करिए और मैं खुद मदद किया तो बोला। मैं ऐसे किसी को मदद करने के लिए आज तक नहीं बोलता जब आप किसी की मदद करिए, मैं खुद करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं, मुझे देखकर 10 लोग और मदद करने के लिए आएंगे तो आज हर दुनिया जा रही है ना। अगर मैं नहीं बोला होता उस समय कि हाँ मैं यहाँ मदद किया आप भी करिए, तो मेरा अपील जो मुझे मोहब्बत करते हैं, आज 10 लाख फॉलोवर हैं, आज 1 मिलियन फॉलोवर मेरे आज इस पेज का हैं, तो क्योंकि यही एक मेरा पेज है और मैं चाहूँगा कि आप इसी को बस फॉलो करिए, इस पे मैं हमेशा आते रहूँगा जाते रहूँगा, आप सबसे प्यार करते रहूँगा। तो जितने भी स्टार हैं मैं सब लोग करते हैं मदद, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव ही करता है, हर आदमी अपने हिसाब से लोगों का मदद करता है, बट वो तरीका गलत था कि आप किसी के माँ को गाली देकर किसी से मदद करवाइए। और हर मैं सबकी बातें बोल रहा हूँ, मैं अपने ऑडियंस से जो मुझे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं उनसे एक सवाल मैं ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ कोई भी बातें अगर होती है तो आप किसी की माँ को गाली प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि आप एक बार ज़रूर सोचिए कि सबकी माँ तो माँ ही होती है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को गाली गलौज करके नहीं, अपना विचारधारा रख दीजिए कि मुझे हम इस चीज़ से हमें मज़ा नहीं आया या हम इस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं। हाँ बोल दीजिए कि भाई हमें मुझे अच्छा नहीं लगा, काम खत्म। लेकिन हम किसी की माँ को गाली देकर अगर संबोधित करते हैं ना तो उससे हमारा अपना खुद का जुबान खराब होता है। तो इसलिए माँ माँ होती है, चाहे वो स्टार की हो, चाहे किसी एक आम आदमी की हो, या वो खेसारी की माँ हो या एक मामूली आदमी की माँ हो, तो इंसान तो इंसान ही होता है और माँ का कोई दर्जा इस धरती पे नहीं ले सकता। और जिस हम भी उसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, आप भी एक माँ के कोख से ही पैदा हुए, तो हमें एक माँ का सम्मान हमेशा करना चाहिए, एक बहन का, एक पिता का, एक भाई का सम्मान हमेशा करना चाहिए और ये ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम किसी दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद पूरी दुनिया हमारी सम्मान नहीं करेगी। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि जीवन में कभी भी कोई आपत्ति आए तो तरीका गलत नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। और मैं एक बाबजी सिनेमा करके आया अभी गोरखपुर के आसपास सिद्धार्थ नगर में, एक बेटे का सुधारने का तरीका पिता का गलत था, आपको देखने को मिलेगा उस सिनेमा में। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं, और मैं भाग दौड़, मैं अब रात को कितने बजे, 4 बजे आया हूँ, 4 बजे आया, 5 बजे सोया, 10 बजे उठ के थोड़ा सा जिम गया, जिम जाकर फिर अब तुरंत अब देखिए आया हूँ, अब डबिंग में भिरूँगा, एक जाल सिनेमा है मेरा जो रिलीज होने वाली है जिसका डबिंग है। तो बस मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप अगर मदद करिए तो दुनिया को बोलिए, विदाउट मदद किए हुए आप पूरी दुनिया को गाली दे दोगे तो फिर कहाँ का इंसाफ है, आप खुद तो करते नहीं हो और आप दुनिया को गाली दे रहे हो कि आप ज़बरदस्ती मदद। हाँ उस परिवार से एक आदमी ने नहीं बोला कि हाँ मेरी भाई की मदद करिए, क्योंकि वो परिवार उतना कैपेबल है। आप जाइए, गरीब रोड पे सो रहे हैं यार, मदद तो उनको करना चाहिए, हमें जो कैपेबल है उनका मदद हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम गए, हम नहीं गए क्योंकि मैं नहीं था, आज आया हूँ और मेरे सारे लोग, मैं पवन पांडे, प्रणव, आपके विकास वीरप्पन जी, सबको मैंने भेजा दिल्ली में और अपने लोगों से भी बोला कि आप मदद करिए, मेरे से जो हो सका मैंने मदद की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के खर्चों में हर जगह 10% डिस्काउंट कराया मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करके, डॉक्टर से लेकर हर जगह अपडेट हूँ मैं, सिर्फ ये बोलने के लिए कि उस भाई को तकलीफ नहीं होने चाहिए। लेकिन वैसे भाई तो हजारों होंगे, करोड़ों में होंगे जो बीमार हैं, तो हमें सबकी मदद करना चाहिए। मैं कितना कमाता हूँ भाई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक श्रद्धा है लोगों का मदद करना है, वो मेरा विचारधारा है कि मैं लोगों का मदद करता हूँ और मैं आजीवन जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे पास उतनी काबिलियत होगी तब तक मैं करूँगा, जब नहीं होगी तो भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब मेरे को खुद को नहीं होगी तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। इसीलिए मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ कि किसी को माँ को गाली मत दीजिए, आप अपना जुबान मत खराब करिएगा। अगर वो आदमी के हमारे माँ को गाली दे रहा है ना, देने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारी माँ है ना, उसके माँ उसको गाली दे देने से हमारी माँ के आचरण खत्म नहीं हो जाते, हमारा विचार बदल नहीं जाता, ना ही हमारी संस्कार हमें ये गवाही देती है कि आप किसी के माँ को गाली दीजिए। और ये फेसबुक है, इस पर कोई पैसा तो लगता नहीं है, हर आदमी अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है उसको, बट विचारधारा रखने का हक है, किसी के माँ को गाली देने का हक नहीं है और नहीं देना चाहिए।
अगर मैंने आपको और किस हक से मुझे कोई गाली देता है यार, हमें वो मेरा विचार है ना कि मैं किसी का मदद करता हूँ, आप जबरदस्ती मुझे मेरे माँ को गाली देकर आप कहोगे कि आप मदद करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, कोई नहीं, सबके अपने विचारधारा है, कोई बात नहीं, जिसको जो संस्कार मिलता है वो उस हिसाब से आप अपनी बातें को रखता है दुनिया के सामने, बट कोई नहीं, लव यू ऑल, आप लोगों से दिल से प्रणाम, थैंक यू कि आप लोग ऐसे ही भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, आदिशक्ति उसके राइटर हमारे अखिलेश कश्यप जी हैं जो कि बड़ी अच्छा गाना लिखे हैं, और आदिशक्ति कंपनी से वो रिलीज हुआ है और 6 दिन में 85 लाख लोगों ने उसको ऑडियो को सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि 6 दिन नहीं, कम से कम 2 हफ्ते में उसको 200 मिलियन लेके जाइए, आप कम से कम 30-40-50 मिलियन लेके जाइए, 2-4 करोड़ लोग देखें, और हमारी बहुत बड़ी संख्या है हम भोजपुरियों की, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, कोशिश हमारी रहेगी कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ हो और आप नाराज़ हो जाएं मुझसे, तो दिल से प्रणाम कि आप मेरे लिए क्या है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जीता हूँ आप सबके लिए, मरता हूँ आप सबके लिए, और पूरी जीवन भी जब तक जीऊँगा कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं जिस विधा में रहूँ, मैं जहाँ रहूँ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप सबका मदद करूँ और आप सबसे प्यार करूँ। लव यू सो मच, लव यू भैया, लव यू, दिल से प्रणाम सबको। तो क्या बोलूँ अब, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं, वो आज सुना ना तो थोड़ा सा होता है, मैं भी इंसान ही हूँ ना भैया, मैं भी तो इंसान ही हूँ और मेरी भी माँ है और सम्मान है उसका, तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने विचार को रखने के लिए किसी की माँ को गाली तो नहीं दे रहा हूँ, और ये तरीका भी नहीं है किसी की माँ को गाली देकर अपना विचार रखने का। हाँ, आप सामने से अगर करते हो तो करके उसके बाद विचार रखोगे तो अच्छा लगेगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग किसी की माँ को गाली मत दीजिए, और किसी हर आदमी को सम्मान करिए, प्यार से बहुत कुछ बदल सकती है, प्यार ऐसा चीज़ है, प्यार ऐसा मीठा चीज़, धरती पे कुछ बना ही नहीं है, वो हर आदमी एक प्यार की भाषा तो जानवर समझता है, तो हम सब तो इंसान हैं, तो हमें अपने विचारधारा रखने के लिए कड़वी बातों की इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही किसी की गाली देकर हमें अपने विचार को रखना है, प्यार से अपने विचारधारा को रखिए और अपने जीवन में खुश रहिए, और 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आप ऐसे ही जलेबी खाते रहिए, क्योंकि 26 जनवरी के भाई बहुत जलेबी खाए हैं, हम भी अपने स्कूल में गाए जाते थे पहले, तो आप भी 26 जनवरी मनाइए, और ढेर सारी शुभकामना आप सबको 26 जनवरी की, और सरस्वती पूजा की भी आपको ढेर सारी शुभकामना कि माँ ऐसे ही आप सबके जीवन में खुशियाँ लाएँ, और आप अपने इस भाई, अपने बेटा, इस भतीजा से ऐसे ही प्यार करते रहिए। आई लव यू। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ 99 को।